तो गाइस ये देखिए मेरे बाल और दाढ़ी कितने बढ़िया लग रहे हैं। मैं ये नहीं कटवाना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर में कुछ गमी हो गई है इस वजह से। ध्रुव आप भी गंजे हो गए ना, इसका भी गुट्टा करा दूंगा आज। वेरी गुड। बेटा आराम से। तो गाइस प्रियंका दीदी तो गाइस दीदी आई थी उन्नाव से दादी को देखने के लिए, बट जैसे ही आई अगले दिन दादी की खबर आ गई और अब जा नहीं सकती क्योंकि जीजी प्रेग्नेंट है। चलो कोई बात नहीं, नहीं 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 आज बाबू घुट्टा करवाएंगे। तो आज हम जा रहे हैं घुट्टा कराने के लिए। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है जब कोई ख़त्म हो जाता है तो सबके यहाँ ऐसा होता होगा, लगभग 9 बार आता है। अब ऐसा नहीं है कि 9 दिन हो जाए उसके बाद, ख़त्म होने के 1-2 दिन बाद ही 9 बार होता है। तो आज 9 बार है जिस दिन सारे जो लड़के होते हैं फैमिली में वो बाल कटवाते। तो फर्स्ट टाइम मैं बचपन के बाद आज गंजा होने जा रहा हूँ। चलते। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो सुबह के 11:30 बज रहे हैं। आज 3 दिन के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट व्लॉग मैंने 1 तारीख को बनाया था और उसके बाद 2-3 तारीख को मैंने व्लॉग नहीं बनाया। अब व्लॉग बना रहा हूँ। और हमारे घर में कुछ गमी हो गई थी, हमारी दादी जी एक्सपायर हो गई थी इस वजह से। और दादी जी जो मैं बताता हूँ, मेरी एक दादी हैं जो आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, एक मेरे पापा की चाची, सगी चाची, मतलब मेरी दादी और ये देवरानी जेठानी थी, तो वो भी दादी हैं। औरैया में ही आस पड़ोस में रहते थे, उनको भी आपने व्लॉग में देखा था। नहीं तो मैं लास्ट जब मैं औरैया गया था मिलने तो मैंने ये क्लिप देख लीजिए, ये वाली क्लिप दादी को दिखाऊंगा आपकी वीडियो। दादी आपकी वीडियो दादी को दिखाऊंगा। तबीयत खराब है। आपकी वीडियो दादी को दिखाऊंगा। क्या कह रहे ताई जी को दिखाएंगे जो फोटो खींच के। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लास्ट बार मैं दादी से मिलके आया था क्योंकि मुझे पता था उनकी तबीयत खराब चल रही है, बट ये नहीं पता था जो उन्होंने बोला है वो सच हो जाएगा। तो चलो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और खूब बैंड बाजे बजे थे जब अंतिम विदाई हो रही थी उनकी, तो बैंड बाजे बजाने के साथ भेजा क्योंकि 80-85 साल बहुत होता है। और उन्होंने अपने नाती पंती को भी देख लिया, उन्होंने अपने पंती को भी देख लिया, सोने की सीढ़ी पे भी चढ़ गई। बहुत बड़ी बात होती है अपने बेटे को देखना, बेटे के बेटे को देखना, फिर बेटे के बेटे के बेटे को देखना। तो वो सब उन्होंने किया और सोने की सीढ़ी मिली उन्हें और अब उनकी विदाई हो गई है, इसीलिए बैंड बाजे के साथ भेजा गया। और ये सब देख के दुख भी हो रहा था और खुशी भी हो रही थी कि चलो अब उन्हें एक नया जीवन मिलेगा। तो चलो इसी के साथ अब हम अपने नए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा मेरे याद कर रहा है, कह रहा पापा मैंने बाल मुड़वाए हैं, दाढ़ी नहीं मुड़वाई, ध्रुव ने बाल कटवाए हैं, उसकी मूछ दाढ़ी आई नहीं, पापा ने पूरा करवाया है। मैंने मूछ इसलिए नहीं करवाई क्योंकि जिनके पापा होते हैं वो मूछ रखते हैं, तो इसलिए मैंने मूछ रखवाई है। ए दे दे दंजू दंजू पटेल, तेरी झोपड़ी में तेल। गंजू पटेल बेचारे को भी पता ही नहीं है गंजा करा दिया है, है? अब बताओ जी जी, अब मिलने भी नहीं जा सकती दादी से। और स्वाति क्या अकेले अकेले चाय पी रही हो? नहीं कितने कप में भंडारा करोगे? कर दिया करो, इच्छा होनी चाहिए, ऐसे छींटे मार दो एक दूसरे को। तो मैं अपने लिए भी टोपी लेके आया हूँ और ध्रुव के लिए भी टोपी लेके आया हूँ। मैं तो ऐसा लग रहा हूँ, अब ध्रुव को देखते हैं ध्रुव कैसा लगता है टोपी में। ध्रुव ए ध्रुव, अरे ध्रुव ध्रुव ध्रुव, अरे वाह यार, इसको चाय फेंक रहा है। बेटे महंगी आई है टोपी। ये देखो, अरे एक सेकंड बेटा।
ये देखो 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 कितना अच्छा लग रहा है। ओहो हो अरे काय रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, सब आपको देखना चाहते हैं। टोपी गंजापन ना दिखाओ, गुस्सा है वो, गुस्सा है वो, उसको गंजा कर दिया ना। और आपको सच बताऊं मेरी टोपी सस्ती आई है, लेकिन इसकी टोपी महंगी आई है, पता नहीं क्यों। मम्मी बना रही है, क्या बना रही है मम्मी आज? बैंगन आलू की सब्जी। बैंगन आलू सब्जी जी, ये लहसुन काट रही है। ए नंगू आप क्या कर रही हो? कपड़े धो रहे। देखो आप कपड़े जाओ ना, कपड़े धोने धो बेटा, डेली डेली के डेली धो दो ना, तो इतना लंबा ना हो। 10 दिन इकट्ठा करके धोती हो तुम? डेली के इतने कपड़े जाते हैं? पूरा मोहल्ला रह रहा है क्या अपने घर में? चद्दर वगैरह डेली के चद्दर पर इतनी गंदी रहती है अपने चद्दर। डेली में डेली कपड़े दो, 4-5 जोड़ी कपड़े होंगे। अब नहीं आएगा करंट, अब नहीं आएगा, हटा हुआ है। 4 जोड़ी, 1 जोड़ी तुम्हारे, 1 जोड़ी मेरे, 1 जोड़ी पापा का, मम्मी का, 4 जोड़ी डेली के धोगी, पता भी नहीं चलेगा कब धुल गए। और डेली की डेली फ्रेश कपड़े 10 दिन इकट्ठे कर लेती हो। आपको 10 बार बोला है कि वॉशिंग में कपड़े उठा के जाओ, आप लाते नहीं हो। अभी अभी बोला है भाई, कल भी बोला था आपसे मैंने। गाइस अभी देखिए आलू में ये निकला है, क्या बात है। दिल, ये दिल है पिछवाड़ा है, दिल है दिल। कटा होता पिछवाड़ा, कटा तो कटा नहीं है, ये दिल है। ये तुम्हें कैसे पता पिछवाड़ा कटा होता? भाग स्वाति, मेरा पिछवाड़ा तुम रख लो, ये पिछवाड़ा है मेरा, दिल नहीं है, तो फिर आप ही रख लो। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? तो सुबह के 7:30 हो गए और कल मैं सोया था और आज मेरे इतने सारे बाल पड़ गए हैं, मैं समझ नहीं सकता। ये आदिवासी हेयर ऑयल का ही कमाल है, क्या करें अब समझ नहीं। जड़ा चमन दिखा जरा बेटे, पद्मपति पद्मपति है। तो गाइस Two tuck lines in one frame. कैसे लग रहे हैं हम दोनों? मैं तो अपने पापा की कार्बन कॉपी, और अभी तो मैंने अपने पापा को नहीं देखा, पापा भी औरैया में ही हैं, आ जाएंगे तो पापा भी गंजे हो गए, तो घर में गमी हो गई थी, बस इतना ही बताऊंगा। वैसे मैं वीडियो वीडियो नहीं बनाता इन सब चीज़ों की। छोटी का एक बाल सफेद है बस, मैंने अपनी छोटी छोटी दिखाओ पीछे से, स्वाति कह रही है बड़े उम्र के लगने लग गए अब आप। अरे 1 महीने में आ जाएंगे बाल बेटे, 1 महीने में आ जाएंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ तो गाइज मैंने वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है ऐसी वीडियोस बना के डालना।